हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ ये ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ एडियल मैट्रिक्स का। सेकंड पार्ट है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डोनेट करते हैं एंड स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रीज डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पे ये होता है। एंड वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्पिटेटिव पोजिशन। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ पे चार तरह की स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी, एजिंग। एंड कॉम्पिटेटिव पोजिशन हमारी पांच कॉम्पिटेटिव पोजिशन है, डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। तो आप ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इन बॉक्सेस में क्या लिखना है मैं ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आता है हमारी डोमिनेंट पोजीशन। मैंने बताया था ये रेयर पोजीशन होती है एंड यहाँ पे मोनोपोली होगी बंदे की और प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप। मैंने ये आपको बात बताई थी और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल भी लिया था, होप सो आपको याद भी होगा। इसलिए मतलब ये डोमिनेंट पोजीशन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फास्ट ग्रो करें। अगर इंट्रोडक्शन में भी हम तो फास्ट ग्रो करना चाहेंगे और हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे बैरियर्स ताकि जो न्यू एंट्रेंट है या फिर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है जो कि स्ट्रांग पोजीशन में है, वो चाहेगा अपनी पोजीशन डोमिनेंट पर करना। तो इसलिए इसलिए हम अपने मतलब बैरियर्स बिल्ड कर पाएंगे और होल्ड रखेंगे अपनी पोजीशन को, डिफेंस करेंगे अपनी पोजीशन को और एक्ट करेंगे ऑफेंसिवली। तो तीन बातें हैं यहाँ पे, फास्ट ग्रो, बिल्ड बैरियर एंड एक्ट ऑफेंसिवली। तो ग्रोथ में डोमिनेंट पोजीशन में हम यहाँ भी फास्ट ग्रो करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच अपनाएंगे उनके लिए जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं, जो कि कस्टमर चाहते हैं कि मतलब क्वालिटी तो मिले लेकिन प्राइस भी नॉर्मल हो। ऐसा नहीं है हर कोई अपनी मतलब जेब से पैसा खर्च करना चाहता है, क्वालिटी के हिसाब से अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो चाहता है थोड़ा प्राइस में भी लो। अगर उनको थोड़ी लो क्वालिटी कम प्राइस में मिल जाए तो वहाँ भी चले जाएंगे। इसलिए मतलब अगर हमें कॉस्ट लीडरशिप भी अप्रोच अपनानी चाहिए, फिर डिफेंस करनी चाहिए अपनी पोजीशन और एक्ट ऑफेंसिवली। फिर मेच्योरिटी में भी हम अपनी डिफेंस करेंगे पोजीशन, फिर यहाँ पे भी एक्ट ऑफेंसिवली करेंगे, फास्ट ग्रो यहाँ पे भी। फिर एजिंग आती है, यहाँ पे या तो हमें विड्रॉल करना चाहिए या फिर डिफेंस करनी चाहिए पोजीशन तब तक जब तक हम प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मतलब प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। अगर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी अगर हमारी खत्म हो रही है तो हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। सबसे बेस्ट है कि विड्रॉल करो एजिंग में, तो मेनली आप विड्रॉल कर सकते हो तो बेस्ट है, या फिर अपना हार्वेस्ट कर लो, पैसा निकाल लो। फिर स्ट्रांग में हम क्या करेंगे, यहाँ भी फास्ट ग्रोथ होगी हमारी, ठीक है। अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजीशन, मतलब कि हम अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो हम चाहेंगे डोमिनेंट पोजीशन। मैंने बताया था ना, स्ट्रांग वाला चाहेगा कि वो डोमिनेंट पोजीशन में आए, ऐसे फेवरेबल वाला चाहेगा कि वो स्ट्रांग पोजीशन में आए। तो हम अपनी एक तो पोजीशन को भी होल्ड करके रखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, मेन बात यहाँ पे आप लिख सकते हो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजीशन। अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजीशन, यहाँ पे हम लो कॉस्ट या फिर अट्रैक्ट स्मॉल फर्म्स, मतलब कि नीचे फर्म जो होती है, ठीक है, जो स्मॉल फर्म्स होती है नीचे फर्म, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लो कॉस्ट रखेंगे और ग्रोथ विद इंडस्ट्रीज, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है हम ग्रो करेंगे और फोकस रखेंगे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं उन पर फोकस रखेंगे कि कहीं वो मूव तो नहीं हो रहे डोमिनेंट पे। फिर फाइन नीच, नीच मतलब कि स्मॉल फर्म्स, फाइन नीच, होल्ड नीच एंड हार्वेस्ट। तो एजिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हम फाइंड कर सकते हैं नीच, अपना होल्ड कर सकते हैं नीच और हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर फेवरेबल आता है, फेवरेबल में हम यहाँ पे सेलेक्टिव अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजिशन, मतलब कि यहाँ पे भी हम सेलेक्टिवली अटेम्प्ट करेंगे कि अपनी पोजिशन को इम्प्रूव करें। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हर जगह से लिख सकते हो, अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजिशन, फास्ट ग्रोथ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मतलब ग्रोथ में हम अपनी पोजीशन को डिफेंस करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे कि अटेम्प्ट करेंगे टू इम्प्रूव आवर पोजीशन क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं। फिर हम इसमें लिख सकते हैं मैच्योरिटी में हम फाइंड नीच कंपनी एंड और उस पर उसको होल्ड करो, उसको उस पर फोकस करो नीच कंपनी, मतलब स्मॉलर फर्म्स होती हैं जो जैसे कि छोटी छोटी फर्म, जैसे कि मैं एग्जाम्पल हूँ जैसे कि लोन सेक्टर है तो हर कोई लोन बांट रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले लोन नहीं बांटते या फिर प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी लोन बांट रही है, कई तरह के फाइनेंस सेक्टर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो रिक्शा पुलर हैं या फिर कोई छोटी मतलब जो छोटी जॉब्स करते हैं उनको कोई लोन नहीं दे रहा है तो हम उनको फोकस कर सकते हैं, उनके लिए हम काम कर सकते हैं। तो वो होगी नीच, मतलब एक स्मॉल सेक्टर्स को फोकस करना और अपना मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। अगर हम एजिंग में तो यहाँ पे हम टर्न अराउंड कर देंगे या हार्वेस्ट कर देंगे। टर्न अराउंड मतलब की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको निकाल के मतलब लॉस में जो जा रहा है उसको टर्न अराउंड कर दे प्रॉफिट में, लॉसेस में जा रहा था मैं उसको टर्न अराउंड कर दूं प्रॉफिट में। अगर अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो जाएगा, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो विड्रॉल करना बेस्ट रहता है या फिर रिट्रेंच कर दो उन बिजनेसिस को जिसमें आपको मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उनको रिट्रेंच कर दो, उनको डिक्रीज कर दो। फिर टेनेबल आता है, यहाँ पे हम ग्रो करेंगे इंडस्ट्री के साथ साथ, होल्ड करेंगे नीचे इस कंपनी को, टर्न अराउंड कर लेंगे, ठीक है, होल्ड करो नीचे इस कंपनी को और रिट्रेंच कर दो, फिर होल्ड नीच।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डिफेंसिव वो सॉरी डिसइन्वेस्ट और रिट्रेंच, तो एजिंग में हम डिसइन्वेस्ट और रिट्रेंच करेंगे, विड्रॉल करेंगे। फिर आता है वीक, वीक में आप ये वीक में तो एक तो सबसे पहले यही बात है कि आप विड्रॉल करो सबसे बेस्ट है। अगर लेकिन आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे मैंने बताया था अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे फाइंड नीच कैच अप देन ग्रो विद इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद यहाँ पे टर्न अराउंड कर सकते हैं या फिर विड्रॉल करो सबसे बेस्ट है। फिर अगर मेच्योरिटी स्टेज पे तो विड्रॉल करो और डिसइन्वेस्ट करो डाइवेस्ट करो। फिर उसके बाद अगर आप एजिंग में आ गए तो विड्रॉल ही करो। ये तो यहाँ पे ये जो चार बॉक्सेस है ये रेड जोन है, यहाँ पे तो आप विड्रॉल करो तो बेटर है, यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। ये जो जोन है ये मैं ऐसे भी डोनेट कर रहा हूँ, ये जो जोन है ये आपको यहाँ पे ग्रीन जोन है, यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे आपका येलो जोन होता है, यहाँ पे आप मतलब जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है तब तक आप उसे बनाओ और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और तब तक रुको, या फिर आप नीच कंपनीज को फोकस कर सकते हो, स्मॉल सेक्टर फर्म्स को फोकस कर सकते हो और उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये एडीएल मैट्रिक्स था।